बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। 100 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉर्प्स के साथ यह योजना देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात CSR बेहद कम है, 12 जिले चुने गए हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, करनाल, कैथल, पानीपत और यमुनानगर। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के इस नज़रिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जरूरत क्यों? 2011 की ताज़ा जनगणना से 0 से 6 वर्ष आयु समूह में CSR घटने का खुलासा हुआ है। हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर 919 रह गई है। 2001 में 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थीं। अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने वाले आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से कन्या भ्रूण हत्या के मामले में बहुत तेजी से बढ़े हैं। आर्थिक फायदों को लेकर लड़कों के प्रति सामाजिक पक्षपात होता रहा है। समाज में गहरे तथा तक यह बात बैठी हुई है कि लड़कियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इन कारणों से लिंगानुपात को नुकसान पहुंचा है। जन्म हो जाने के बाद भी लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं थमता। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की ज़रूरतों को लेकर उनके साथ कई तरह के पक्षपात होता है। इस वजह से ठीक ही कहा जाता है कि महिलाओं के जन्म से पहले ही उनके अधिकारों का हनन शुरू हो जाता है। समन्वित रूप से हकीकत यह भी है कि महिला सशक्तिकरण से समाज में विश्वास और अवैज्ञानिक प्रथाओं के पिछड़ेपन से मुक्ति मिलती है। अंधविश्वासी मान्यताओं और प्रथाओं तक सीमित ग्रामीणों के बीच से आगे निकलने के लिए एक मीडिया और संचार तरीकों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी लक्ष्य को हासिल करने, इसके बारे में जागरूकता फैलाने और बदलाव के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआत भी की, जिसका फायदा लड़कियों को मिलेगा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई। बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए आज पूरे समाज को लड़कियों के प्रति अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समाज के हर तबके में यह समस्या व्याप्त है। भले ही पूर्वोत्तर के क्षेत्र और आदिवासी इलाकों में लिंगानुपात बेहतर है, देश के कई हिस्सों में बालिका भ्रूण हत्या के मामले बहुत ज़्यादा हैं। सरकार ने यह अभिन्न योजना कई लड़कियों को बचाने के लिए शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे समाज के लिए एक वरदान है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह योजना न केवल लड़कियों बल्कि पूरे समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसे वक्त आई है जब देश महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं जैसे दुष्कर्म और अन्य तरह के हमलों का सामना कर रहा है। सरकार ने यह दावा भी किया है कि गृह मंत्रालय बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। केंद्रीय बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा की पायलट योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए सिस्टम पर महिलाओं का भरोसा फिर से कायम किया जा सकता है। यदि परियोजना दुर्जय हो तो बेहतर शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए सबसे प्रभावी तरीकों को गले लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में एक प्रणाली है जिसमें बच्चे की शिक्षा के लिए एक निश्चित अंतराल के नकद पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है।
पंजाब में गर्भवती लड़कियों को पहली तिमाही में ही रजिस्टर किया जाता है ताकि अधिकारी भ्रूण हत्या के मामलों पर निगरानी रख सकें। एक उदाहरण तमिलनाडु में भी है जहां अम्मा बेबी केयर किट दी जाती है। हालांकि यह पहल भले ही अकलमंद नज़र आती हो, कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि पैसा आवंटित करने या योजनाएं शुरू करना काफ़ी नहीं है, कानून में बदलाव करना पड़ेगा और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वालों को सज़ा देनी होगी। जमीनी स्तर पर लड़कियों के अधिकारों के बारे में और जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।